अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस ट्यूटोरियल में काम करेंगे टेबल पे। अच्छा, टेबल कौन सा टेबल? जिसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं, वो टेबल नहीं जो हम मैथ में पढ़ते हैं। ठीक है, लाइक कौन सा टेबल पे? ये टेबल जो हम अक्सर आपने देखा होगा वर्ड पे भी, हम इस तरह से टेबल ड्रॉ करते हैं, तो यही टेबल हम HTML में भी ड्रॉ करेंगे। क्योंकि बेसिकली जो हमारे पहले डिज़ाइन हुआ करते थे, तो सारे जो है टेबल पे मकसद साइड्स जो है डिज़ाइन किया कर की जाती थी। ठीक है, तो आज हम इस टेबल पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं सबलाइम एडिटर जो है हमारा ओपन कर लेता हूँ। ये आगे सबलाइम, ठीक है, हम इसको कंट्रोल एन करके न्यू कर लिया, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। हम सेव करके हम यहाँ पर टेबल, अब चूँकि हम टेबल का टॉपिक कर रहे हैं तो मैंने इसलिए टेबल डॉट, अब ये फाइल की एक्सटेंशन आपको पता, मैंने बताई हुई है HTML फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट HTML। टेबल जो हमारा टेबल का वो फाइल का नाम है। ठीक है, सिंपली हमने क्या करना भाई, ये लेना है, अच्छा टेबल यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल का टैग लेना पड़ेगा, ओपन एंड क्लोज। इसके बाद जो है आप यहाँ पर TR लेंगे, TH होता है, अच्छा जी मैं ये बताऊँगा आपको कि TR क्या होता है, TH क्या होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम बता देते हैं TR जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे ठीक है, TR जो है हमारे पास टेबल रो कहलाती है। इसको वापसी वैसी कर लें, कोई मसला नहीं, इसको हम एरो बना देते हैं, टेबल रो। ठीक है, आपको पता है जब हम टेबल बनाते हैं तो दो ही चीज़ें हो रही होती हैं, एक चल रहा होता है कॉलम, एक चल रहा होता है। ठीक है, तो ये TR जो है हमारे पास टेबल रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, TH किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हमारे पास टेबल हेडिंग्स को। हाँ, जो TD है आपके पास टेबल डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट ID स्टूडेंट नेम। ठीक है, सपोज मैंने ID दे दी 110, नाम मैंने अपना दे दिया मोहसिन। सिंपली अब हम इसको चला के देख लेते हैं ऊपर, अभी देखें ये टेबल फॉर्म में नज़र, अच्छा इसके बॉर्डर्स वगैरह नहीं आ रहे तो वो हम ले आते हैं। यहाँ पर आप बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ कर लें, बॉर्डर आप इसको दे दें 1, ये बेसिकली बॉर्डर की भी दी आपने। ठीक है,
अब देखें जो मैंने टीएच दिया है तो थोड़े से बोल्ड सो रहे हैं, वो हेडिंग लगने आ रही है। अगर मैं इसको टीएच या टीडी रख देता तो ये भी एक नॉर्मल ही टेक्स्ट नज़र आता और फिर मुझे पता नहीं चलता कि हमारे मकसद टेबल की हेडिंग्स क्या हैं और टेबल का डेटा क्या है। यानी सपोज अगर मैं इसको टीडी कर दूँ तो अब जो हमारी हेडिंग्स हैं वो भी एज ए नॉर्मल टेक्स्ट वहाँ पर डिस्प्ले होंगी, तो फिर हमें फ़र्क पता नहीं चलेगा मकसद इसमें टीडी में यहाँ पर टेबल हेडिंग कौन सी और डेटा कौन से देखें। कोई हमारे पास फर्क यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि इसमें हेडिंग कौन सी टेबल की और डेटा कौन सा है, तो इसलिए हम जो है टीएच यूज़ करते हैं। जो भी हमारी हेडिंग्स होती हैं ठीक है, तो हम उसके लिए टीएच यूज़ कर रहे होते हैं। सिंपली हमने ये काम अब हमारे पास पता भी चल रहा है कि कौन सी टेबल की मकसद हेडिंग है और कौन सा टेबल डेटा है। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर कोई मकसद देना चाहता हूँ, ये टेबल है किस बारे में, कोई टाइटल ऊपर, तो सिंपली आप क्या करें कैप्शन यूज़ कर लें। मैंने कैप्शन दे दी स्टूडेंट रिकॉर्ड की, अब ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा मसला ये है कि ये जो है टेबल की उसमें नहीं आ रहा, यानी टेबल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अब वो होगा भी नहीं क्योंकि हमने इसको टेबल में नहीं रखा, हमने डायरेक्टली कैप्शन का टैग दे दिया। अब ये कैप्शन जो है टेबल के सेंटर में आती है, मकसद जहाँ भी आप रखें ऊपर या बॉटम में, टॉप पर रखें या बॉटम में, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सेंटर में उसके नज़र आएगी कैप्शन। ठीक है, कैप्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं। अगर आप कैप्शन यूज़ नहीं करना चाहते तो नहीं करें, आप दूसरे तरीके से भी ये काम कर सकते हैं। सपोज़ मैं एक OTR ले लेता हूँ, मैंने उसके बाद ले लिया TH, दोबारा टेबल हेडिंग, अब स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, अब जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये एक कॉलम बन रहा है, एक कॉलम डेटा समझ रहा है और दो को डिवाइड नहीं कर रहा, तो हमें इसको दो पे डिवाइड भी करना है। तो सिंपली हम क्या करें, कॉल स्पैन ले लें। कॉल स्पैन क्या करता है, कॉलम को स्पैन कर देता है। इस कॉलम को हम कितने कॉलम पर स्पैन करवाना चाहते हैं, दो कॉलम पे। ठीक है, तो अब वो टेबल के अंदर भी आ गया, हेडिंग भी बन गई और हमारा काम भी हो गया। ठीक है, अब इसी तरह सपोज मेरे पास जो है एक स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पर या बल्कि रैंक रिमार्क्स ले लेते हैं हम, एक और हेडिंग ले लेते हैं, अब मैं तीनों को एक और रिकॉर्ड ले रहा हूँ। इसको वन वन कर दिया, वन इसको भी। ठीक है, ये आ गया, लेकिन अब जो है मैं ये चाहता हूँ कि ये ग्रुप तो दोनों के लिए एक ही रिमार्क्स है, तो ये दोनों एक ही पे काम कर रहे हैं, मैं बार बार ना लिखूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जैसे कॉल स्पैन होता है, इसी तरह हमारे पास क्या होता है, रो स्पैन भी होता है। ठीक, तो मैं यहाँ पर आके रो स्पैन कर देता हूँ। रो स्पैन टू के लिए हमारे पास, अब मैं यहाँ पर जो है ये वाला कमेंट मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है। ठीक है, बात हुई है। तो सिंपली हमारे पास आज के जो टेबल था, टेबल की तकरीबन हमने सारी चीज़ें भी कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप ये हमारा लेक्चर था, और सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और चीज़ लर्न कर सकें। थैंक यू।